नमस्कार, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है ताकि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सकें। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़ा है। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी लोग उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यहाँ एक सभा में राहुल ने कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे हैं। दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूँ, मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा के बाद ट्वीट कर इस फैसले से असहमति जताई है। केजरीवाल ने इसे विपक्षी दलों को खत्म करने की साजिश करार दिया है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना, हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे के पूरे मोदी समुदाय का मान घटाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट H.H. वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान 3 बार अदालत में पेश हुए। अक्टूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस खबर पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।